Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय टू न्यू ब्लॉग। अभी गया हुआ हूँ मैं केदारनाथ धाम, जो कि हम कल शाम 5 बजे से चले हुए हैं और अभी पहुँचे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी बड़ी कतार में लाइन लगी हुई है, हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्तगण आए हुए हैं। ओम नमः शिवाय। और ये हमारे सोनू, हमारे भाई भगवान की लाइन में तो पीछे लग जाओ, अभी आए हो आगे। शिवा, ये देखो भैया, शिवा, ये लोग कोई भी कहीं से भी आता है सीधे घुस के सीधे लाइन के पहले बुला रहे हैं भैया। और हम लोग प्रातःकालीन 4 बजे से यहाँ पर लाइन पर कतार पर खड़े हुए हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, और ये लोग आकर के पहले से ही लाइन पर खड़े भाई हैं। ओ बड़े भाई, ओम नमः शिवाय। पीछे लग जाओ भाई साहब, सभी लाइन पे आए। ये देख सकते हैं आप भाई साहब, गलत बात है नहीं तो ये लोग आते हैं सीधे लाइन पे घुस जाते हैं। गलत बात है ना, एक जड़ियाते ही नहीं करते यार, भगवान जी को भी नहीं छोड़ दे रहे हैं। कोई समझ नहीं रहा है, कोई किसी की रघुआ वाला भाई, रघुआ के हर गए। हां हां, ये हमारे बीच बच्चा भाई, ये बच्चे हमारे बैठे थे यहाँ पे, बैठे थे बच्चे हमारे पीछे थे। आप खड़े थे, आपके बगल में बैठे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हि अम्मा भूर्वः स्वः, हरे हि अम्मा सहस्र सेरिका भूर्वः, सहस्राक्षः सहस्रपादाः भूमिः अजायंत जे के चो भया ततः गावो जग्निरे तस्मा तस्मा जाता अया वयः तञ्जज्ञं वरहि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा यजन्त दादा
देवाति मृत्यु मेति नान्यः पयन्ता विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्वे बहुदाभिजाय भुवन निर्स्वाजो देवेभ्यः दमतिज देवानां पुरोहितः पुरो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मये रुचं ब्रह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रो एवं ब्रह्मणो विद्यातस्य देवा असन्वसे रात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तम् षडन्धिकाणं मोमयिकाण सर्वलोकं महिकाणं हरिः अम्म वासो शिशानो भृगवो न भीमो घना घना श्रवणश्चरिगणीनां सङ्ग्रन्दनो निमिक एकवीरः शतकसेना जयत्सागमिन्द्रः सङ्ग्रन्दनेना निमिकेण जिष्णुना युतकारेण दुश्चमने दृष्णुना तदेन्द्रेण जयत तत्सद्वद्योगौ नरैको हस्ते न विष्णा स एको हस्ते गङ्गेर्वसे सगुं श्रेष्ठ स्वयुत इन्द्रो गणेन सगुं श्रेष्ठ जित्सोमपाहो सरधिरदन्द्वीरस्ता बृहस्पते परिधीय रतेन रक्षो मित्रापबाधमदः प्रव ब्रह्मिणो ज्योदा जय असमागमे ध्याविता रतानां बलविज्ञायस्तवीरा सहस्वान् इन्द्रस्य विष्णो वरुणस्य राज्ययादित्या मरुतागुं सरदाग्रं महामनस भुवनज्यमानां गो देवाना उद्धरिकय मघवन्नायुधा युत्सत्वानां मामकानां मनागुं ृतरहन् वाजीनां वाजिना निग्रतानां जयता जन्तो गोकाः अस्माकमिन्द्रः समृते उद्वजे कस्माकवस्मा जयन्तो अस्माकमानुदेवा
सद्रष्टाम रेडाय तेनाह नमस्तुने लगरे वाया सहस्राक्षा यामे डोके आतो जिये असिया सतवानो हन्ते भ्यो करन नमः प्रमंचदन वनस्त्वमो वाय रात्यार जाम्मा जाश्चते हस्ताइका वाह पराता भगवा वापा विजयन धनो का परदेनो वेसल्या पाडवा माया चमाया परिभोजा परिते धनवानो हे तीरसमा ब्रेडक्तो विश्वाता आतो जाई को दिस्तावारे असमान निधे हितम्मा तावदान वाने मानो बहन तमोतामानो अरबकम माना उक्षन तमोतामा उक्षितम हे पितारम मोतामातर माना तन्वार द्रारी रेका मानस्तो के मानो गोके मानो असवेकोरी रेका मानो पीरा बामीनो बदीरी हविक मन्ता सदा मितवा अम्मा भूर्भुवः स्वः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्जपते नमो नमः वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सक्विञ्जराय द्विघीमदेवतीनां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो मल्लुसाय व्याधिनां पतये नमो नमो भोषेहि दैकतां पतये नमो नमो रुद्राय ततायिने क्षेत्राणां नामते कृष्णाय तया धावते स्तम्भते नमो नमः सहमानाय निव्यादिनः व्याधिनी नामते नमो निखङ्गणे कुकुभायस्ते नामते नामपतये नमो नमः श्रीकाय द्योजिकाशुद्धो विष्णुनामपतये नमो नमः श्रीमद्भ्यो नक्तञ्जरद्भ्यो कृन्दानामपतये नमो श्रीकृणे गिरिचराय गुलुञ्चानाम् आतनुवानेभ्यः प्रतिधानेभ्यश्च भो नमो आयच्छद्भ्यो सदृश्य भो नमो नमो विसृद्भ्यो द्विवेदश्च भो नमो नमः स्वपद्भ्यो जागृतश्च भो नमः शयानेभ्यः सीनेभ्यश्च भो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावत् देख सकते हैं आज पहुंचे हैं बाबा केदारनाथ के दरबार में। बहुत समय से मन था कि बाबा केदारनाथ के दरबार में जाया जाए, तो आज ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का
सुअवसर हमें भी प्राप्त हुआ है और आप सब लोग भी करिएगा ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नवीन तिवारी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हम कल चले थे यहाँ कल गौरीकुंड से 5 बजे से कंटिन्यू यात्रा कर रहे हैं और प्रातःकालीन 3:30 बजे 4 बजे के बीच में हम पहुँचे हैं केदारनाथ धाम। और केदारनाथ धाम पहुँचने के बाद स्नान ध्यान इत्यादि करके पूजा पाठ इत्यादि करके उसके बाद हमने सीधे लंबी लाइन में लगे हुए कतार में लगे हुए देख सकते हैं आप। और यहाँ पे किया एक अभिषेक माता जी के और भूयशिम दक्षिणा माता जी को भेजनी होगी वहां से। और देख सकते हैं आगे का व्यू दिखाता हूँ आपको केदारनाथ। ये देखिए अभी तक बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल चारों तरफ धुंध ही धुंध जबरदस्त तरीके से। अब बिल्कुल थोड़ा साफ हुआ है, थोड़ा उजला सा हुआ है, दिख रहा है कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। गंगा भुजंगा विराजे हे देव गंगा सभी काम साजे कैलाश राणा शिव चंद्र मौले समुद्र मध्ये कारण्य शंभो भव दुख हारे तुझ बिन शंभो मुझको भगवान की बोले जय। तो केदारनाथ धाम प्रातःकालीन सुबह से ये सभी भक्तगण बड़े दूर दूर से आकर के यहाँ पर अपनी आस्था भगवान केदारनाथ के कामना को पूर्ण करने के लिए केदारनाथ बाबा के श्री चरणों में आए हुए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों आप सब लोग और अभी आप बूंदाबांदी होने लग गई है क्योंकि ऊपर से भोलेनाथ जो है अमृत वर्षा करने लग गए हैं भक्तों के ऊपर। थोड़ा अमृत वर्षा का होना भी जरूरी है। इंद्र देवता प्रसन्न है, भोलेनाथ प्रसन्न है। इंद्रो विश्वसेराज चतुपदे इंद्र देवाय नमः। तो हमारे ऊपर अमृत वर्षा भगवान केदारनाथ के किलोमीटर पुराना वाला में से क्या परसों बीच में आपदा आई, आपदा आने के कारण वह सब बंद हो गया है। तो अभी नए मार्ग की खोज की है तो उसमें लगभग 8-10-12 घंटे कंटिन्यू लगते हैं चलने। आपके श्री चरणों में और दिव्य आपको दर्शन हो रहे हैं। आप लोग सब दर्शन के लिए इतने श्रद्धालुओं के दर्शन केदारनाथ में होना कर लेंगे तो समझ लीजिएगा कि आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन का फल प्राप्त हो गया है।
संख्या में यहाँ आए हुए हैं देश विदेशों से। हर हर महादेव। धाम की जय। मस्त तरीके से पहुंच रहे केदारनाथ धाम और भक्तों की हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्त कुछ भक्त तो वापस चले जाते हैं। भगवान भोलेनाथ भी हर किसी की परीक्षा तो हमारा प्यारा निराला केदारनाथ धाम है यह। और केदारनाथ धाम में आज आने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों। आगे का भी दिखाऊंगा अब आपको। देखिए बिल्कुल और भी मेरे बहुत सारे मित्र यहाँ आने वाले थे। अच्छा ही हुआ कि नहीं आए क्योंकि जितना चलना था मेरे को नहीं लगता है कि वो इतना चल पाते। 21-22 किलोमीटर चलना था टोटल और बहुत लंबा था। पहले का जो पुराना मार्ग था वो पुराना मार्ग इस बार बंद हो चुका था तो नया मार्ग जो है शुरू हुआ है। तो वहाँ से बहुत लंबा से आचार्य बहेड़ी से हमारे आचार्य श्री राजीव मिश्र जी आने वाले थे यहाँ पर, किसी कारणवश नहीं आए। और अच्छा ही हुआ, मैं इसलिए अच्छा हुआ कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर चलना इतना था कि वो चल नहीं पाते यहाँ पे, क्योंकि हम तो कंटिन्यू पहाड़ों में रहते हैं और उसके बाद भी हमें चलने में बहुत दिक्कत हुई है। हम रुक रुक करके बैठ बैठ करके यहाँ पर पहुँचे हैं ऊपर केदारनाथ धाम में। और भी मेरे बहुत सारे मित्र लोग मेरे साथ आने वाले थे। मैं यही कहूँगा कि अच्छा हुआ नहीं आए क्योंकि चलना इतना था कि उनके साथ हम आते तो हमें भी विलम्ब हो जाता, क्योंकि हमारा संकल्प था कि हम केदारनाथ ही पहुँचेंगे। भक्तगण लोग सब आए हुए केदारनाथ के श्री चरणों में चढ़ाने के लिए और अपनी जो भी मन की कामना है मनोकामना को पूर्ण करने के लिए पधारे हुए। आप लोगों को लाइव सब दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है। सब लोग देखिए, मस्ती से आनंद लीजिए। हर हर महादेव। तो देख सकते हैं मस्त मस्त शिव कैलासो के वासी धोली धारों के राजा संगर भोले बाबा मेरा काम नहीं करता कर ना पाया तेरे कैलासों का अंत ना पाया।
انت تیری سانكت هر سانكترنا بہت زیادہ شردھالوؤں کی بہت زیادہ سنکھیا بھیڑ اوپر کی پہاڑ دکھنے لگ گئے ہلکے ہلکے کیونکہ موسم کھلنے لگ گیا پراتہ کالین کی میلا 6 بجنے والا ہے والا ہے اور دیکھ سکتے ہیں تھوڑا اجالا اجالا پورا ہو گیا چار سمرن کلیا بھگوان کیدارناتھ کامنا کو اوشیہ پورن کریں گے ہرے مہادیو جے کیدارناتھ سوامی جے Om Namah Shivaya Hare
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः hare hare bhole namah shiva om koteswaray shiva ko namah shiva om gangadharay shiva